अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूज़, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको, आपके दोस्त सब, आपको बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सबकी हिफाजत निगहबानी फरमाए। दोस्तों, आज आपके साथ एक और नया तजर्बा शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि नए नए तजर्बे करता रहूँ और आप दोस्तों के साथ भी शेयर गाहे बगाहे करता हूँ। आज भी एक नया तजर्बा ही करने जा रहा हूँ। ज़ाहिर मैं आउट ऑफ सीज़न चीज़ें लगाता रहता हूँ तो उसमें शेयर करता हूँ ताकि आप दोस्त भी जो भी करना चाहे तो वो भी कर ले। तो पहले तो मैंने आपको दिखाया था ना, पालक और धनिया, ये आउट ऑफ सीज़न मैंने उगाया हुआ। ये मैंने आज शिमला मिर्चें भी लगाई हैं पौधों गमलों में, तो आज उनको सैप अलहदा अलहदा करते हैं गमलों में, ये आप देख रहे होंगे। तो आज का बाकायदा वाला करते हैं शुरू, अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा रहीम और करीम है, जो हमारे दिलों के राज जानने वाली ज़ात है। तो ले जी, लेट्स स्टार्ट। ये मेरे पास एक तो ये देखें, इसमें है ये जिसको पनीरी कहते हैं असल, और ये एक दो और गमला है, दो गमले हैं। इनमें से निकाल के मैं कोशिश करता हूँ, ये चार पांच गमले मेरे पास खाली हैं तो उनमें इनको ट्रांसफ़र करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनकी जड़ें नंगी ना, क्योंकि आजकल आपको पता है टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, तो वो पनीरी जनरली तो होता है कि इनकी पनीरी निकाल के तो लगा देते हैं आप तो हो जाता है। आजकल थोड़ा सा उसमें है इशू कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो उसका चलना थोड़ा सा देखते हैं, लेट्स सी, मुश्किल होता है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो असल में बेसिक चीज़ ये कि टेम्परेचर मेंटेन आप कर सकते हैं तो चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं कि वो आउट ऑफ सीज़न आप उगा सकते हैं। अगर टेम्परेचर उसी नॉर्मल पे, जो मुख्तलिफ सीज़न मसलन गर्मियों का टेम्परेचर है तो जो चीज़ गर्मियों की नहीं है वो बड़ा मुश्किल होता है कि उसको सर्वाइव करना। तो मैं इसीलिए वो आपके साथ दिखाता भी हूँ, शेयर भी करता रहता हूँ कि असल चीज़ है टेम्परेचर को मेंटेन करना, कंट्रोल करना। वो आपने कर लिया तो फिर आप अपना जो आउट ऑफ सीज़न चीज़ें हैं उनको आप उगा सकते हैं और सक्सेसफुली माशाल्लाह रिजल्ट्स भी उसके, मैंने जैसे पहले आपको बताया, वो दो चीज़ें तो मैं रेगुलरली हर गर्मियों में उगाता हूँ, पालक और धनिया। तो ये भी मैंने पहली दफ़ा ट्राई की है तो मैंने कहा दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। ये पहले तो गमले, ये इसकी गोडी कर लेते हैं थोड़ी सी, जो मिट्टी है पहले ही ऑलरेडी डली हुई थी, फूलों के पौधे लगे हुए थे तो वो सूख गए, अब ज़ाहिर फूलों का सीज़न, वो वाले फूल जो थे पटोनिया वगैरह ख़त्म हो गया। तो मेरे पास ये गमले बचे हुए थे, इनको तैयार कर लेते हैं अच्छी तरह पहले गोडी करके और फिर मैं आपके सामने उनको ट्रांसफ़र करूंगा। नहीं जी, मेरे पास टोटल 6 गमले हो गए। ये मैं एक पौधा तो कोशिश करता हूँ कि उसको, ये देखें ना, इसकी जड़ ना हिले, इसको मैं ऐसे कोशिश करता हूँ ऐसे निकालना, देखते हैं, लेट्स सी कि ये हिले ना। और कोशिश है कि ये ठीक है जी, इसको मैं ऐसे ही ट्रांसफ़र कर दूँ। एक तो मैंने लिया निकाल, इसको इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ये लें जी, ये शिमला शिमला मिर्च का है, ठीक है। तो ये इसको मैं, एक इसमें आ गया, अब ये 4 हैं इकट्ठे। अब इसकी मजबूरी है कि आप इनको निकालना ही पड़ेगा मुझे, मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए जी, एक इसमें से निकाल लिया, इसको भी मैं कोशिश करता हूँ इसको मैं
सेंटर में कर दो। ठीक है जी, ये देख लें जी, मेरे 5 गमले हो गए, एक में से 5 पौधे थे तो इनको मैंने 5 कर दिए। ये भी एक मेरे पास है, इसको भी मैं कोशिश करता हूँ इसके भी 2 बना दूँ। ये मेरे पास एक और गमला खाली, इसको भी निकाल लेते हैं। तो आप भी असल इट्स ऑल अबाउट कि टेम्परेचर मेंटेन जो है ना आप कर लें, तो आप कोई भी चीज़ जो है आउट ऑफ सीज़न उसको काश्त कर सकते हैं, उसको रिजल्ट्स भी ले सकते हैं माशाल्लाह। ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखें पनीरी तो उसकी काफ़ी हद तक तैयार है, ये सारा कुछ अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं माशाल्लाह। ये कोई 45 43 44 टेम्परेचर है आजकल लाहौर का, तो इसको भी देखते हैं। लेट्स सी, इसको कोशिश करता हूँ मैं पहले लगा लूँ पानी, थोड़ा सा ये खुश्क है। इनको लगा लेते हैं पानी। अब इनको ना मुख्तलिफ जगहों पे रखूँगा, कुछ गिराज में रखूँगा, कुछ दरख्त के नीचे रखूँगा, तो रिजल्ट्स देखते हैं किस जगह के बेहतर। अभी तक तो इनको मैंने गिराज में रखा हुआ था, ठीक है। दो जगहों पे रखूँगा इंशाल्लाह, तो दोनों के रिजल्ट्स देखेंगे। जी अब उसका भी वो हो गया गीला, वैसे उसको निकालना थोड़ा मुश्किल था, वो जड़ टूटने का खतरा था, तो अब मैं उसको भी निकाल के उसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ जी। ये हो गया, और इसको भी एक को मैं सेंटर में कर देता हूँ, एक उधर ही रहे। ये ले लीजिए आपके सामने, एक को सेंटर में कर दिया। ये देखें जी, अब मेरे शिमला मिर्च के काफ़ी पौधे तैयार हो गए। अब माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 7 गमले मेरे तैयार हो गए शिमला मिर्च के। गमलों में इसलिए ज़ाहर वहाँ पे तो क्यारियों में या और जगह पे लगाएगा तो ज़ाहर टेम्परेचर मेंटेन ही, इनको गमलों को का फ़ायदा ये है कि मैं इनको उठा के मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ मैं टेम्परेचर मेंटेन कर सकता हूँ वहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये माशाल्लाह ये देख लें जी, इतने हो गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप में से भी कुछ जो दोस्त चाहता है इस तरह आउट ऑफ सीज़न चीज़ों को उगाना घर में, तो ज़रूर ट्राई करें, और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा ये एक है, क्या कहते हैं, मशगला भी है और आपका टाइम भी बड़ा अच्छा पास हो जाता है। तो आपको घर की चीज़ें भी ऑर्गेनिक टाइप की खाने को मिलती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे साथ रहने का आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आपके दोस्त सब, आपको बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सबकी हिफाजत फरमाए। तो गुनेगा जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त सब आपके साथ शेयर कीजिएगा, और एज़ यूजल अपने कीमती मशवरों से ज़रूर नवाजिएगा।
मेरे साथ रहने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।